24 और मैं हूं आपके साथ सोनी श्रीवास्तव। थाना क्षेत्र के बनसानी पंचायत के भुइया भवरिया टोला स्थित अकेलवा दामर जंगल में एक महिला का नर कंकाल मिला है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। नर कंकाल का पहचान गांव के ही सिमित्री देवी 45 वर्ष पति सत्येंद्र भुइया के रूप में किया गया है। पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक की पुत्री मीरा देवी के आवेदन के आलोक में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल रविवार को अकेलवा दामर जंगल में गांव के कुछ लड़के बकरी चराने गए थे, जहां दुर्गत मिलने पर पास जाकर देखा कि एक नर कंकाल है, जिसकी जानकारी गांव में आग की तरह फैल गया। महिला कंकाल की खबर मिलते ही मृतक महिला की गोतनी लालती देवी पति राजकुमार भुइया ने मृतक की पुत्री मीरा देवी को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद घटना स्थल पर पहुंचकर देखा तो कंकाल को अपनी मां की साड़ी से तथा वहीं पर पड़े चप्पल से पहचान की। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी कृष्ण कुमार दलबदल के साथ घटना स्थल पहुंचे। महिला कंकाल की पहचान अपनी मां के रूप में करते हुए मीरा देवी ने बताया कि बीते 5 अगस्त को दोपहर करीब 1 बजे एक व्यक्ति आया था, जो पहले से भी हमारे घर में आया करता था। मेरी माँ बिना कुछ बताए उस व्यक्ति के साथ घर से गई थी। शाम तक घर नहीं आने पर हमारी चाची लालती देवी ने फोन लगाया तो बंद मिला। काफी खोजबीन के बाद भी पता नहीं चला। सूत्रों के अनुसार सिमित्री देवी जिस व्यक्ति के साथ गई थी उसी के साथ गांव में शराब पिया था। उसके बाद रविवार को अकेलवा दामर जंगल में महिला का कंकाल बरामद किया गया। थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि महिला का निशस्त्र तरीके से हत्या किया गया है। हत्यारे की पहचान जल्द कर गिरफ्तार किया जाएगा। झारखंड से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए GBN 24।